फिजिकल वर्ल्ड लेक्चर टू में आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर का। ओके, ना फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है क्या? ये वो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रही है, विच गवर्न्स आवर यूनिवर्स। ओके, नाउ ये फंडामेंटल फोर्सेस है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रांग फोर्सेस। ओके, अब एक एक करके इन सब फोर्सेस के बारे में देखते हैं ये है क्या। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स से हमको अपना प्रपोज किया गया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, आपने जाना होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने ये बोला कि अगर दो मासेस को अगर हम आर डिस्टेंस या सर्टेन डिस्टेंस पर अगर हम रखेंगे तो ये दोनों मासेस एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। ओके, नाउ अब उस अब कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके पीछे एक फॉर्मूला डेवलप किया गया था। वो फॉर्मूला क्या है? नाउ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो ये f किसके बराबर हो जाएगा? f इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ ये थ्योरीज में फर्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। इट एग्जिस्ट बिटवीन टू सेपरेटेड बॉडीज हैविंग मास, मींस दो मास अगर होगा और कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रहेगा तो वो दोनों फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो मास होना चाहिए बॉडीज में। सेकेंड, दीज फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नाउ ये चार्जेस तो है नहीं, ये है मास, तो मास हमेशा एक दो बॉडी पर हमेशा अट्रैक्शन करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर दोनों मास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ओके, तो ये हमेशा इनवर्स लॉ फॉलो अप करेगा। क्लास 11 में ग्रेविटेशन चैप्टर में हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर सेंट्रल फोर्सेस बिकॉज दे एक्ट बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस। ओके, नाउ अब हमेशा ये जो फोर्सेस है ये सेंट्रल फोर्स है, ये हमेशा थ्रू सेंटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। अर्थ भी अगर सपोज ये अर्थ है, अर्थ पे अगर ये बॉडी है, इस अर्थ पे अगर हम होल कर दें, इस अर्थ को अगर हम होल कर दें तो ये बॉडी की क्या फॉल कर जाएगा अर्थ में? इट मीन्स दैट कि अर्थ तो ये भी मास है, ये भी मास है, अर्थ में भी मास है और ये बॉडी में भी मास है, तो ये बॉडी क्या कर जाएगा? अर्थ में फॉल कर जाएगा। इट मीन्स कि ये जो भी मासेस है, ये सेंट्रल, ये जो वो भी फोर्सेस लग रहा है इन दोनों के बीच में, ये सेंट्रल फोर्सेस है। अर्थ भी कोई भी बॉडी को अपने तरफ सेंटर की तरफ खींचने का कोशिश करता है, तो यही बोला गया है दे आर सेंट्रल फोर्सेस बिकॉज दे एक्ट बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ दीज फोर्सेस आर ग्रेविटॉन। नाउ दो बॉडीज है, इन दोनों के बीच में डेफिनेट है कि कुछ फील्ड होगा, ये दोनों एक दूसरे पर फील्ड एग्जर्ट कर रहा होगा। ओके, तो ये फील्ड के अंदर जो भी बॉडीज अगर आएगा तो ये क्या होगा? अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, तो इस फील्ड को नाम दिया गया है ग्रेविटॉन। ओके, नाउ दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। डेफिनेट है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, अर्थ में कोई भी चीज बहुत ज्यादा ऊपर भी जाता है तो भी वो नीचे की तरफ अट्रैक्टेड होता है, नीचे की तरफ फॉल कर जाता है, तो दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्स है वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस आर द फोर्सेस विच कॉज लाइट एलिमेंट्री पार्टिकल्स टू इंटरैक्ट विथ वन अनदर। जो स्मॉल पार्टिकल्स है, लाइट एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, जैसे बीटा डीके में ये लाइट एंट्री पार्टिकल्स यूज होता है, जैसे टू इंटरैक्ट विथ वन अनदर एंड विथ हेवियर पार्टिकल्स। तो स्मॉल जो लाइट एलिमेंट पार्टिकल्स है उन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, एंड हेवियर पार्टिकल्स से भी अट्रैक्ट करने के लिए वीक फोर्सेस एप्लीकेबल होता है, यूज होता है।
नाउ दिस फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस. कहां पर यूज होगा? सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस में, सच एज बीटा डीके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब बीटा डीके में क्या होगा? नाउ बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन. ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, इसमें से जो बीटा डीके होगा, बीटा डीके में जो न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल. तो इसमें से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल जिसका नाम दिया गया न्यूट्रिनो. ओके, एंड दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ये जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से. कितना? 10^26 टाइम्स. ओके, एंड वीक फोर्सेस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल विथ अदर फोर्सेस ऑल्सो. ठीक है, एंड वीक फोर्सेस भी है. वीक फोर्सेस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल और इज ऑल्सो लिख सकते हैं, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रू विच सन शाइन्स. सन को शाइन करने में वीक फोर्सेस का ही रोल है. ओके, नाउ नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. अब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कैसा फोर्स है? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स अमंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस. नाउ न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, एटम न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होगा और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होगा. ये न्यूक्लियस के अंदर में जो ये प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्शन है, ओके, ये रिपल्शन हाई रिपल्शन होता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है. अब ये हाई रिपल्शन को एक जगह बाइंड करके रखने के लिए हमको अदर, इसके ऑपोजिट में फोर्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स. और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्सेस इनसाइड न्यूक्लियस, उसको बाइंड अप करने में हेल्प करता है. इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो फोर्स है, जो एक दूसरे पर एग्जर्ट कर रहा है, जो बाहर हमेशा निकलना चाहता है, वो बाहर निकल जाना चाहता है न्यूक्लियस से, उसको बाइंड अप करके रखा है. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट तो हो गया. सेकंड पॉइंट है दे डू नॉट ओबे इनवर्स लॉ. डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स ही इनवर्स लॉ एग्जर्ट करता है. तो ये इनवर्स लॉ एग्जर्ट नहीं करता है, एग्जर्ट लॉ को ओबे नहीं करता है. ओके, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स फाउंड इन नेचर. ये कैसा फोर्स है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स फाउंड इन नेचर. नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है. ओके, बट दे आर एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज. वो शॉर्ट रेंज के लिए है, जैसे न्यूक्लियस वगैरह में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का फोर्सेस को बाइंड अप करने के लिए. नेक्स्ट है द फील्ड पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस इज पाई मेसॉन. सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सा पार्टिकल्स है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ना जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर्म करता है क्वार्क से. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर्म करता है क्वार्क से. ओके स्टूडेंट्स, मैंने एक स्पेशल वीडियो क्वार्क्स पर बनाया है जिसमें मैंने क्वार्क्स के बारे में बताया है कि क्वार्क्स होता क्या है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कैसे क्वार्क से फॉर्म करता है. ये सबसे स्मॉलेस्ट से क्वार्क्स ना, अभी तक हमको पता था कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी बनता है क्वार्क से. तो इससे भी स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो है क्वार्क्स. ओके, इससे भी छोटा पार्टिकल्स वो है क्वार्क्स. ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो डाल दूंगा और उसमें मैंने ये भी बताया है कि प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है और पॉजिट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन सेम चीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये जो पॉजिट्रॉन है ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, और ये पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है.
और ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से ही बना है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो क्या डिफरेंस है? आप जाकर वो वीडियो में जरूर देखें, वो डिटेल में दिया गया है। ओके, नाउ अब नाउ नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्सेस बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस गिव्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, आइदर रिपल्शन और अट्रैक्शन, एंड चार्जेस ऑन मोशन गिव्स मैग्नेटिक फोर्स। देखो वर्ड में ही स्टूडेंट्स यहां लिखा गया है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फोर्स। नाउ अगर एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसको चार्ज लिखते हैं हम लोग, ठीक है, अगर स्टैटिक पोजिशन पर होगा, अगर स्टैटिक पोजिशन पर होगा, रुका हुआ होगा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा, यानी दो पार्टी, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच, प्रोटॉन्स के बीच में, यानी कि दोनों चार्ज्ड बॉडी है, तो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और अगर ये मोशन में है, अगर ये मूव कर रहा है, मोशन में है, तो चार्जेस ऑन मोशन गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, नाउ अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, नाउ ये डायग्राम में इस तरह से मैंने दिखाया है क्योंकि यहां पर मैंने दो मैग्नेट्स भी लिया है और दो चार्जेस को भी दिखा करके यहां पर रिप्रेजेंट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो सेम चार्जेस है, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है अगर आर डिस्टेंस पर रखे हैं। ओके, तो इन दोनों का फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नाउ न्यूटन्स लॉ, एक न्यूटन्स लॉ का जिस तरह से फॉर्मूला है उसी तरह से फॉर्मूला इसका भी होगा। न्यूटन्स लॉ में मास रिस्पॉन्सिबल था, यहां पर चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है। अब चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है तो दो अलग अलग चार्जेस है Q1 एंड Q2, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, वहां हम प्रोडक्ट ऑफ द मासेस किए थे, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, और अगर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटा दें तो एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो फॉर्मूला एक जैसा ही है। ओके, बस सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्जेस, सेम चार्जेस के लिए रिपल्सिव होगा और ऑपोजिट चार्जेस के लिए अट्रैक्टिव होगा। ओके, आते हैं हम लोग मैग्नेट पर। मैग्नेट में ऑपोजिट पोल्स है, वो अट्रैक्शन होगा और इसका इस तरह से फील्ड लाइन्स होगा, और सेम साइड्स के लिए, पोल्स के लिए रिपल्शन होगा। चार्जेस में भी इसी तरह से होता है, चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसमें भी ये पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव को जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव को जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव को जाएगा। ओके, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव को गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव को गया, यही फील्ड लाइन्स होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस में। ओके, और यही फील्ड लाइंस होगा दो सेम चार्जेस में, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस में इसी तरह से लाइंस रहेगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ओके, इसी तरह से रिपल्शन होगा दोनों के बीच में, फील्ड लाइंस इसी तरह शो करेगा रिपल्शन सेम इसी तरह से। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लाइक चार्जेस, लाइक पोल्स और चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक पोल्स और चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट पॉइंट था दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है ये भी। ओके, दैट इज एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, नाउ दे आर अगेन सेंट्रल फोर्सेस, जो चार्जेस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी है, ये भी कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है, ये भी हमेशा सेंट्रल, इसलिए ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, सो दे आर कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, नाउ दीज फोर्सेस बाइंड इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूट्रॉन्स टू फॉर्म एटम। ओके, तो ये क्या करता है फोर्सेस, एक एटम में अगर ये न्यूक्लियस लिए और ये इलेक्ट्रॉन्स लिए, यहाँ पर पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर में इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एटम में दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। ओके, तो ये क्या कर रहा है, एक एटम फॉर्म कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में अट्रैक्शन होगा तो ये एटम फॉर्म कर जाएगा। ओके, नाउ दीज आर ग्रेटर देन वीक फोर्सेस, ग्रेटर देन वीक फोर्सेस, डेफिनेट है कि ग्रेटर होगा वीक फोर्सेस से। ओके, नाउ फील्ड पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फोटोन। ओके, फोटोन एक एनर्जी पैकेट्स है विच कैरीज नो चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता एंड जीरो रेस्ट मास, इसमें कोई भी रेस्ट मास नहीं होता है, बट हैव मोमेंटम, लेकिन उसमें मोमेंटम जरूर होता है। ओके,
ओके अगर ये फोटॉन्स को हम लाइट फॉर्म में ये समझे कि लाइट में ओके ये एनर्जी पैकेट्स, लाइट भी एक एनर्जी है, ये भी फोटोन भी एक एनर्जी है, सी हैव एनर्जी एच एफ, ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है एच और एफ है फ्रीक्वेंसी। तो फोटोन्स भी क्या अगर लाइट के फॉर्म में ये करें और इक्वेशन जनरेट करें कि डज लाइट हैव मास, आंसर क्या है, लाइट में मास नहीं होता है, लाइट हैज जीरो रेस्ट मास, ओके बट इट हैज मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास नहीं होगा लेकिन मोमेंटम उसमें है। हम लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में फोटोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके वेव्स में हाइजीन्स प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग फोटोन्स के बारे में डेफिनेटली पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ओके। डेफिनेटली फिजिक्स हमारे सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए बून है, बून मतलब बहुत अच्छा है, ओके जिसके हमारे हमारे टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है, हम लोग जो काम पहले नहीं कर सकते थे अब कर सकते हैं, ओके तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन टेक्नोलॉजी। स्टडी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज हेल्प टू डिजाइन रेडियो, टेलीविजन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन से हम लोग कहीं भी बात कर सकते हैं, ये सब थ्रू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ओके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू लाइट हेल्प्स टू डिजाइन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लैंप्स एंड ट्यूब्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी हेल्प किया है डिजाइन करने में इलेक्ट्रिक बल्ब्स को एंड लैंप्स एंड ट्यूब्स, ओके। कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके जो हम लोग इजिली स्मार्टली कैलकुलेशन कर देते हैं कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स भी बना है, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो फिजिक्स के अंडर में है, ओके। नेक्स्ट है न्यू प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड इन हीट इंजिन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज, जो आज एसीज वगैरह कहीं भी गर्मी में भी हम एसी यूज करेंगे तो वहाँ भी ठंड हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर्स में भी कुछ भी चीज़ को अच्छे से रख सकते हैं, हीट इंजिन्स जो भी चीज़ आज इंजिन्स वगैरह है वो सब हीट इंजिन्स पर बेस्ड है, ये प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 में हम जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये सब फिजिक्स का ही देन है, ओके। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अंडर बर्नौलीज़ थ्योरम, बर्नौलीज़ थ्योरम हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ेंगे, ओके जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। नाउ फ्लाइट एंड रॉकेट्स के बारे में, किस तरह से फ्लाइट एंड रॉकेट्स, अप थ्रस्ट वगैरह ये सब चीज़ें फ्लाइट से रॉकेट में, ये सब भी फिजिक्स का ही देन है, ओके। नेक्स्ट है सोसाइटी में किस तरह से फिजिक्स ने रोल निभाया है, वो है डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हम लोग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जिस तरह से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं कहीं भी थ्रू मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, किसी से भी चैटिंग कर सकते हैं, ये फिजिक्स का ही देन है टू आर सोसाइटी, टू अस, ओके। नेक्स्ट है इन रेडियो टेलीविजन वी कैन वॉच एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू गेट न्यूज़ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं का भी न्यूज़ हम कहीं भी बैठ के आ रहा ईजिली देख सकते हैं। एक डीमेरिट भी हुआ है फिजिक्स के वजह से, वो क्या है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड न्यूक्लियर वेपन बिकम थ्रेट फॉर द सोसाइटी, जो न्यूक्लियर वेपन्स है एक बार अगर रिलीज कर दिया जाए पूरा का पूरा एरिया या पूरा का पूरा सिटी ही ख़त्म हो जाएगा, ओके तो ये भी एक थ्रेट है, ये भी ये एक प्रॉब्लम है जो फिजिक्स से भी, जो फिजिक्स से ही दिया है, ओके। नाउ चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस, नाउ देखते हैं किस तरह से रिलेटेड है अदर सब्जेक्ट से फिजिक्स, फिजिक्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। नाउ द एक्सरे डिफ्रैक्शन, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर हेल्प्स केमिस्ट्री टू रीअरेंज एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, तो एक्सरेज एंड पीरियोडिक ये सब फिजिक्स में ही है, एक्सरेज वगैरह इंस्ट्रूमेंट जो भी फॉर्म है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी भी, ओके एटॉमिक। नाउ ये हेल्प क्या किया केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स है उसको रीअरेंज करने में इन पीरियोडिक टेबल, ओके। नेक्स्ट है फिजिक्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये फिजिक्स से ही मिला है, फिजिक्स से ही मिला ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एक्सरेज वगैरह जो फॉर्म किया गया, एक्सरेज का जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाया गया ये थ्रू फिजिक्स है, यूज टू डिटेक्ट एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, डिटेक्ट करने में और ईजिली उसको ट्रीट करने में, ओके okay?
नाउ नेक्स्ट है फिजिक्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ फिजिक्स इज यूज टू स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड अदर हेविली बॉडीज ऑफ सोलार सिस्टम. तो सोलार सिस्टम में जो भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स यूज हुआ फिजिक्स से ही कही देन है, जिससे हम लोग इजिली सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट है फिजिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. थ्योरीज एंड डेरिवेशंस इन फिजिक्स आर बेस्ड ऑन वेरियस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. तो जो भी डेरिवेशंस हम लोग फिजिक्स में करते हैं वो जो भी डेरिवेशंस वो किस बेस्ड पर है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. ओके नाउ अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. ओके ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा थ्योरी है जिसमें हम जितना भी नेचुरल फोर्सेस जो अभी तक हम पढ़े वो सबको एक सिंगल फोर्स में हम कन्वर्ट कर सकें, सबको एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर सके. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. द यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इज एन आइडिया इन विच इट इज पॉसिबल टू मर्ज ऑल टाइप्स ऑफ नेचर्स फोर्सेस एज मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सिंगल फोर्स. एक सिंगल फोर्स में पूरा का पूरा नेचुरल फोर्सेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो सिंगल फोर्स है. जैसे अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फोर्सेस लगता है, तो वो सिंगल फोर्स ही है जो हर चीज में एप्लीकेबल होगा. इसलिए इस पर यह रिसर्च चल रहा है. ओके नाउ देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या रिसर्च किया है. नाउ न्यूटन डिस्क्राइब्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स विच अलाउज बॉडीज टू फॉल बैक ऑन अर्थ एंड सेम प्रूव द ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड द सन. तो कोई भी चीज अगर अर्थ के ऊपर फेंका गया है तो वो बॉडी वापस जरूर नीचे आएगा. तो ये भी हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े हैं. और अर्थ के चारों तरफ जो मून मूव कर रहा है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही देन है. ओके तो एक थ्योरी में ग्रेविटेशनल फोर्स में दो अलग अलग चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके तो ये दिया गया था, न्यूटन डिस्क्राइब्स किए थे ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. ओके नेक्स्ट है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल डिमोन्स्ट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच हैव बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस. तो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा फोर्स है जिसमें इलेक्ट्रिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है. अगर चार्ज स्टैटिक पोजिशन पर होगा तो वो कौन सा फोर्स देगा, वो देगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और मोशन में होगा तो देगा मैग्नेटिक फोर्स. तो ये भी दो अलग अलग थ्योरीज को एक ही में बनाया गया, वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स में. ओके नाउ नेक्स्ट है वीनबर्ग स्लैम ग्लासॉ डिस्कवरी दैट इज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रो वीक फोर्स. तो इलेक्ट्रो वीक फोर्स क्या फोर्स है, विदाउट विच सन कैनॉट शाइन. ओके ये बना है वीक फोर्सेस से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से. इलेक्ट्रो से मैग्नेटिक से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रो आया है और वीक फोर्सेस से, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही है जो सन साइंस का जो रिएक्शंस वगैरह हाइड्रोजन में होता है वो वीक फोर्सेस से होता है. और इलेक्ट्रिक और वीक फोर्सेस बना है जिससे सन साइन करता है. ओके नेक्स्ट है अबव ऑल फोर्सेस कंबाइंस विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी. तो जितना भी फोर्सेस ये हम पढ़े हैं ये किस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म किया, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी में. ओके एंड नेक्स्ट है एंड ग्रैंड यूनिफिकेशन कंबाइंस विथ ग्रेविटेशन टू फॉर्म सिंगल फोर्स. एक सिंगल फोर्स बना है, वो कैसे बना है, रोड मैप ऑफ यूनिफिकेशन से देखते हैं हम लोग किस तरह से ये फॉर्म किया है. नाउ मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या फॉर्म करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स क्या बनता है, इलेक्ट्रो वीक फोर्स. यही इलेक्ट्रो वीक फोर्स के बारे में हम बात किए थे इस समय, जिससे सन साइन करता है वो वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बना है. नाउ स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इलेक्ट्रो वीक फोर्स कंबाइन करके फॉर्म बनता है ग्रैंड यूनिफिकेशन, ग्रैंड यूनिफिकेशन. नाउ एस्ट्रोनॉमिकल मोशन एंड फ्री फॉल. एस्ट्रोनॉमिकल मोशन मीन्स जो भी सन के अराउंड हम लोग प्लैनेट्स वगैरह मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड जो मून मूव कर रहा है वो है एस्ट्रोनॉमिकल मोशंस के अंडर में आएगा. एंड फ्री फॉल, अर्थ से कोई भी चीज़ ऊपर फेंको वापस वो नीचे आएगा, वो है फ्री फॉल. इन दोनों को सेम मेथड से बना है, कम्बिनेशन से बना है ग्रेविटेशन. जो ग्रेविटेशन में हम ये दोनों चीज़ एक साथ पढ़ेंगे. नाउ इन दोनों ग्रैंड यूनिफिकेशन एंड ग्रेविटेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना है सिंगल फोर्स में. ये सिंगल फोर्स है जो सभी जगह एक्ट करेगा. ये है ग्रैंड ये है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. ओके स्टूडेंट्स, आज ये फिजिकल वर्ल्ड का लास्ट लेक्चर था
जिसमें हमने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो भी चीज़ें नोट्स वगैरह है ये सब में हमें हमने पढ़ी हैं। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।